नमस्कार दोस्तों। किडनी की बीमारी ना बड़ी गंभीर होती है और बड़ी खतरनाक होती है, और बीमारी का इलाज जो है वो कर्मा आयुर्वेदा ने सिद्ध कर दिया है, संभव है। कर्मा आयुर्वेदा का नया पता 77 तरुण इंक्लेव प्रीतमपुरा, पहले ये G20 नेताजी सुभाष प्लेस प्रीतमपुरा स्थित था। जानेंगे एक पेशेंट से किस प्रकार इस गंभीर समस्या को मात दी है उन्होंने। क्या नाम है मरीज का? कमर जहां। कहां के रहने वाले? खुर्जा, जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर अलीगढ़ के बीच में खुर्जा पड़ता है। जी जी, वहां पे जी जब आए थे। कौन है आपके, कमर कौन है आपका? ये हमारे घर से है। अच्छा, कौन लगते हैं तुम्हारे? मेरी घरवाली है। अरे घरवाली है। तो जब आए थे उस समय कमर जहां को क्या क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत बहुत थी इनको सर। इनको खाना बिल्कुल नहीं हजम होता था और उल्टियां लग रही थी बहुत, समझे। अब तो पहले से बहुत सुधार है, पहले से बहुत फर्क है। अच्छा, काफी दिक्कत थी उस समय। जी, उस समय पहले काफी दिक्कत थी, अब सुधार है, अब थोड़ा आराम है। अच्छा, उस समय जब आए थे क्रिएटिनिन कितना था कमर जहां का? इसमें लिखा है आपका, मैं दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ, दिखाओ रिपोर्ट, उठाओ आप दिखाओ। पहले 300 सामने दिखाओ, कैमरे में सामने करो, रिपोर्ट सामने करो, घुमा दो उधर की तरफ, उधर की तरफ घुमाओ। 304 था सर उधर, यूरिया। हाँ, यूरिया 304 था, यूरिया 304 था। अब 304 से 127 रह गया। 127 आ गया यूरिया, 304 से 127 हो गया। अच्छा, और क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन की मुझे आप देख लीजिए, उसके नीचे वाला है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन 289 है। अभी देखते क्रिएटिनिन, देखो इसमें कितना है, चेक करके बताओ। ये 289 मैडम। ये कमर जहां है इनका, क्रिएटिनिन जो था वो काफी बड़ा हुआ था उस समय, 7-8 की रेंज में आ गया था। डायलिसिस कराया था इनका आपने? नहीं नहीं, डायलिसिस नहीं कराया। नहीं कराया। तो खुर्जा में क्या बताया था आपको? खुर्जा में हमने आपका नेट पर देखा था, नेट पर देखकर जो हमारे समझ में आया था कि एक बार वही दिखा दें। ये रिपोर्ट आप कैमरे की तरफ कीजिए एक बार, जो आप करा के लाए हो ना। जी, पहले वाली दिखाओ, पहली वाली तो ये सामने करो, उसको कैमरे की तरफ घुमाओ। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ो। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसके अंदर इनका जो क्रिएटिनिन है वो 7.9 के आसपास है और यूरिया जो है वो 301 के आसपास है। ये कहां से कराया था आपने? सर, अपने शहर में कराया था हमने, स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक सेंटर से इन्होंने कराया है, बुलंदशहर से इन्होंने टेस्ट कराया है। 7.9 क्रिएटिनिन है, यूरिया 304 है इस रिपोर्ट के अंदर, आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन इनका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है इस रिपोर्ट में। अभी जो लेटेस्ट करा के लाया वो दिखाओ। अब ये लेटेस्ट करा के लाए हैं रेड लाइन पैथोलॉजी लैब से, और ये भी बुलंदशहर की लैब है, और 22 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन जो है वो 7 से घटकर 2.89 हो गया, 2.89 क्रिएटिनिन हो गया, 7 से रिड्यूस होके, यूरिया 127 हो गया, 300 से रिड्यूस होके। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं सर। पहले से अच्छा महसूस कर रही है ना? पहले से बहुत फायदा, बहुत नजर तो नहीं है ना इसको? नहीं नहीं, बहुत फायदा है पहले से, बहुत फायदा। पहले क्या क्या दिक्कत आ रही थी? पहले बहुत दिक्कत आ रही थी, चलने में दिक्कत आ रही थी, हम पकड़ कर ले जाते थे बाथरूम में, बाथरूम के लिए भी हमें पकड़ कर ले जाना पड़ता था दोनों साइड से, और अब तो वो अपने आप चली जाती है, बाथरूम के लिए लेटरिन के लिए वो अपने आप ही चली जाती है, अब हमें कोई पकड़ना नहीं पड़ता। और अभी पहले से अपना फिर स्वस्थ महसूस कर रही होगी? अच्छा, पहले से ठीक है, सही है, थोड़ी बस दिक्कत रह गई है, वो मालिक दूर कर देगा। मालिक ही तो आपको यहां तक लेकर आया है। जी, लग के फॉलो करना जैसे बताया कमर जहां को। जी, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो बुलंदशहर में आपने रिपोर्ट दिखाई होगी, वहां पे क्या बताया डॉक्टर्स ने आपको? वहां डायलिसिस के लिए बोला था हमसे, जहां भी हमने दिखाया था वहां डायलिसिस के लिए बोला, डायलिसिस होगी इनकी, डायलिसिस के लिए हमसे मना कर दिया था लोगों ने, डायलिसिस मत कराना। आपका हमने ये मोबाइल पर देखा था, एडवर्टाइज देखा था हमने आपका नेट पर, तब हमारे दिमाग में आया था कि एक बार हम
वहीं दिखा लें अपने, वहीं चलें। फिर वहाँ हमने अपनी जांच कराई, जांच कराकर तब आपके पास हम यहाँ तक आए। अब आपकी दवाई 10 महीने से हम चला रहे हैं, आपकी दवाई से बहुत ऊपर वाले की भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से बहुत फायदा, बड़ा आराम है, बहुत आराम है। अब थोड़ी सी परेशानी रह गई है, उसको भी मालिक दूर कर देगा। तो बहुत अच्छा है, कमर जाकर तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है पहले। जी जी ना? जी। और गोश्त वगैरह तो नहीं खा रही ना अभी? नहीं नहीं नहीं। तो लग के फॉलो कराया, सारी चीजें इन्होंने फॉलो करी, क्रिएटिनिन 7-8 की रेंज में चला गया था और अब जो है वो 2 की रेंज में आ गया। फिनोमिनल इंप्रूवमेंट, फिनोमिनल चेंजेस आर देयर, लक के इन्होंने फॉलो करा, रिजल्ट्स भी इनको विजिबल हुए, कैसे कैसे आ रहे हैं, डायलिसिस से भी बाहर आई, फिजिकली भी बेटर लगा, स्टेबल हुई और साथ साथ इनको अपने आप में भी विल पावर बढ़ी, अंदर से मजबूती आई ना जी जी कि अब ठीक हो जाऊंगी मैं जी। तो बुलंदशहर के डॉक्टर्स बोल रहे थे वो जरूरी नहीं है कि वही होगा, डायलिसिस होगा, ट्रांसप्लांट होगा और अंत में मरणासन स्थिति आ जाएगी जी, ऐसी स्थिति तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, ठीक लग रहा ना पहले से इसको? पहले से बहुत फायदा है, पहले से बहुत फायदा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से दोनों रिपोर्ट दिखाओ एक साथ सामने। तो रिपोर्ट आपको खुद आपने यहाँ से कराई थी, हमने बताया था कराने के लिए? नहीं नहीं, आपने नहीं बताया था, रिपोर्ट हमने ही कराई थी, आपने अपने अपने अनुसार कराई है। हाँ। ये देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट सामने है, इन्होंने अपने अनुसार बुलंदशहर अपने पास से कराई है, खुर्जा निवासी है, बुलंदशहर जिला है, वहीं से इन्होंने रिपोर्ट कराई है, लग के इन्होंने फॉलो करा उत्तर प्रदेश खुर्जा के और इनको रिजल्ट भी नजर आए हैं, किस किस प्रकार से इनको चेंजेस नजर आए, अनुशासन नियम से फॉलो करा, रिजल्ट आपके सामने है। इस भयंकर बीमारी को मात दे दी आज कमर जाने, डायलिसिस को मात दे दी कमर जाने और आज जो है डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुकी है। क्या संदेश देना चाहोगे किडनी के मरीजों को, पूरे विश्व में, पूरे जहां में बहुत सारे मरीज हैं किडनी के? ये तो मैं सारे अपने इलाके में सबको बता दूंगा, क्या आप वहां दिखाएं। तो बुलंदशहर में डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था आपको? बिल्कुल, मेरठ ले गया था मैं, मेरठ में भी मना कर दिया था कि डायलिसिस के बाद कोई कुछ नहीं है, डायलिसिस होगी, मगर मैंने डायलिसिस वहाँ भी नहीं कराया। और मैं ग्वालियर ले गया था, अरे एमपी भी चले गए थे, एमपी भी चला गया था मैं, वही पेशेंट को लेकर वहाँ दिखाया, उन्होंने भी, मैं उनके भी थोड़े बहुत दिन दवाई चली मगर उस सभी को फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ तो आपकी दवाई से फर्क हुआ। अब तो बिल्कुल ठीक होने वाली है, ठीक हो गई है बिल्कुल, 2 तक आ गया क्रिएटिनिन, 8 से 2 तक आ चुका है ऑलरेडी और बहुत अच्छे चेंजेस भी नजर आए हैं। तो हिम्मत है तो नीचे दिए हुए नंबर्स और साथ साथ आपकी हिम्मत है और डायरेक्शन है, 2 चीजों की आवश्यकता है आपको ये इस गंभीर बीमारी को मात देने के लिए। हिम्मत आपसे आएगी और जब आप यहां पर आएंगे तो हम भी आपको उसमें देने में मदद करेंगे, साथ साथ डायरेक्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपने किस प्रकार से क्या क्या फॉलो करना है, कमर जहां की तरह आप भी इसी प्रकार से क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किडनी के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। लग के फॉलो करना जरूरी है और इनको रिजल्ट आप देख रहे हैं किस प्रकार से आए हैं।